बागौर थाना क्षेत्र के चांदराज चौराहे पर 19 मई 2017 को शाकंभरी माता मंदिर में मां शाकंभरी सहित 9 देवियों व अन्य देवताओं की प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें विभिन्न माताओं की मूर्तियों पर लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषण व चांदी के छत्र चढ़ाए गए, जो मंदिर में हुई दूसरी बार की चोरी में चोरों के भेंट चढ़ गए। चांदराज चौराहे स्थित मां शाकंभरी मंदिर के पुजारी बजरंग लाल पारिक ने बताया कि रोजमर्रा की तरह रविवार को अल सुबह 5 बजे माता रानी की पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचा तो देखा कि मुख्य मंदिर के दान पात्र का ताला टूटा हुआ है और दान पात्र भी खाली मिला, जिसकी जानकारी मंदिर के कोषाध्यक्ष को दी गई। मंदिर के कोषाध्यक्ष ओंकार लाल खारोल ने बताया कि लगभग 5 महीने से दान पात्र नहीं खोला गया था, जिसमें चोरी की गई राशि लगभग 25,000 रुपए सहित माता रानी की आरती में काम आने वाला आधा किलो वजनी चांदी का पंखे का हत्ता भी तोड़ कर ले गए। साथ ही मंदिर की मरकरी लाइट और पर्दे व पूजा करते समय पुजारी के पहनने वाला साफा भी अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, जाते जाते चोरों ने मंदिर के आगे करेर रोड पर ईंट भट्टे के पास लगी एक केबिन को निशाना बनाते हुए उसमें रखा सामान भी समेट लिया। उक्त घटना की सूचना पुजारी पारिक ने खारोल समाज के लोगों को दी और समाज के लोगों ने मंदिर पहुंचने के बाद बागौर पुलिस को भी सूचना दी। सूचना पर बागौर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके से चोरी के घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले उक्त चोरी की घटना को लेकर मंदिर के पुजारी व कोषाध्यक्ष सहित खारोल समाज के लोगों ने बागौर पुलिस को चोरी की रिपोर्ट पेश की। हालांकि इसी रोड पर खारोलिया खेड़ा से पहले एक खेत में चोर पुजारी का साफा पर्दे व मरकरी लाइट सहित चांदी का चवर भी फेंक कर गए, जिसको बागौर पुलिस ने बरामद किया। सुबह आया था इधर सेवा करने के लिए 5 बजे, उस टाइम को मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर गया तो दान पात्र का ताला भी टूटा हुआ था, फिर बाद में अंदर मेन मंदिर था उसका भी ताला टूटा हुआ था, लाइटें वीटें सब मतलब व्यस्त व्यस्त कर दी इधर उसे उधर। मैं शाकंभरी माता जी का पुजारी बजरंग प्रसाद पारिक बोल रहा हूँ। ये उसके बाद में हमारे ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष साहब ओंकार जी खारोल है उसको फ़ोन किया, फिर बाद में समाज वाले सब आए और ये पुलिस में फ़ोन किया, फिर बाद में पुलिस आई और ये इधर से देख रेख करके वापस गई।